तो भारत माता मंदिर के सम्मुख हम लोग खड़े हुए हैं। सो अंदर के मंदिरों के दर्शन आपको करवा रहे हैं। हमारी पूजा संपन्न हुई। जय महाकाल। चलो गाइस, दर्शन तो यहीं से कर सकते हैं क्योंकि गर्भगृह की एंट्री बंद है सावन से ही। और फिलहाल इसमें कैमरे में भी आपको प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। तो आरती होने के बाद एक बार एंट्री खोली जाएगी तो हम लोग सामने से दूर से ही दर्शन कर पाएंगे। सो गाइस, अभी हम लोग वीआर आरती दर्शन करेंगे, वर्चुअल रियलिटी महाकाल मंदिर के अंदर के दर्शन। बोलो फ्रेंड्स, जो पहले मैंने आपको लाइन दिखाई थी वो मतलब नॉर्मल दर्शन की थी। वहाँ पर कम से कम 1.5 घंटा हमारा लग जाता, इसलिए वी डिसाइडेड कि चलो यहाँ से शीघ्र दर्शन के लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है जो 250 रुपये की आती है। तो शीघ्र दर्शन की टिकट लेने के बाद हम लोग 20 मिनट में दर्शन करके बाकी स्थानों के दर्शन के लिए निकल जाएंगे। नहीं तो 1.5 घंटे हमारा यहीं पर लग जाएगा। तो अच्छा ही है, थोड़ा समय बचाते हुए हम लोग बाकी स्थानों के भी दर्शन आज रात को ही कर पाएंगे। कम से कम 3-4 जगह दर्शन तो आज कर ही लेंगे। तो फिलहाल जैसिका गई है वहाँ पर टिकट लेने के लिए, और ये दोनों यहाँ देखो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सो गाइस, रात का वक्त हुआ है और अभी यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब पसीने रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये देखो अच्छे से पसीने बह रहे हैं और फर्श को इतना ज़्यादा गर्म है ना, मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने फर्श में हीटर लगा रखा है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। नहीं है फिर तो ठीक है, तो पानी भी नहीं मिलना चाहिए। तो अच्छे ज़्यादा गर्मी है, चलो एक बार एंट्री हो जाए, दर्शन कर लें तो यहाँ पर आना सक्सेसफुल हो जाए हमारा। भोलेनाथ की कृपा देखिए, हम एक बार दर्शन कर रहे हैं, अब दोबारा से जा रहे हैं दर्शन करने। सो कह दीजिए एक बार मेरे साथ, हर हर महादेव। नीचे सारे आपको धाम मिलेंगे, नीचे देखिए सारे के सारे धाम हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ से भी हमारी एंट्री होगी और अंदर जाके हम लोग एक बढ़िया से दर्शन वापस करेंगे। VIP दर्शन में दोबारा दर्शन होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हमें 2 या 3 बार दर्शन ना दें। सो फाइनली अंदर की तरफ हम लोग आ चुके हैं जो कि बहुत ही रेयर है। ये किस्मत ही थी, हम तो डायरेक्ट निकल रहे थे तो हमें पंडित जी ने बोला आप रुकिए अंदर से वापस करके आओ, दर्शन मिलेंगे भरपूर। क्यों मजा आ रहा है? हाँ, दूसरी बार दर्शन करेंगे बहुत नजदीक से। अहो भाग्य। दर्शन करो महाकाल के। फाइनली अच्छे दर्शन हो गए हमें। भीड़ में भी 2 बार दर्शन करके आए हम। सो अंदर के मंदिरों के दर्शन आपको करवा रहे हैं। हमारी पूजा संपन्न हुई। जय महाकाल। अद्भुत दर्शन गाइस, बहुत मजा आया। ये है श्री रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर।
चढ़ा देंगे। ये है लक्ष्मी नरसिंह मंदिर। बहुत ही बेहतरीन दर्शन हुए, बहुत 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 उम्दा दर्शन। आराम से जाओ, जाते जाते एक बार आपको दर्शन करा दिए जाए। हमारे आपके हम सबके प्रभु, चलो चलो। क्या हुआ? तो ये एग्जिट है अभी हमारी। सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं भारत माता मंदिर, जो कि मैं आपको पहले दिखाई दी थी। लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है ना। मैं ग्लेयर्स हटा सकती पर नहीं हटाऊंगी। दिस लुक नाइस। बच्चे थक गए हैं बट मैं तो नहीं। सो गाइज, महाकाल के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं और सबके माथे पे देखो तिलक लगाया हुआ है। और फिलहाल अभी हम लोग आए हैं भारत माता मंदिर, जो महाकाल मंदिर है उसके बिल्कुल बाजू में ही ये है भारत माता मंदिर। तो इनके भी दर्शन आपको कराते हैं। भारत माता मंदिर के सम्मुख हम लोग खड़े हुए हैं। चलो आ जा। आहान चलो अंदर चले। क्या कर रहे बेटा? आहान कपड़े गंदे कर रहे तू सारे। खड़ा हो जा। नहीं धोने चल रहा है। हाँ ब्लॉग कहाँ से आया? मुंबई। सो गाइस, फिलहाल ये भारत माता मंदिर के ठीक पीछे है कॉरिडोर, जो नया कॉरिडोर बना हुआ है जहाँ पर लोग वॉकिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं। और उसी से साइड में लग के देखो एक रेस्टोरेंट है। हम लोग जा रहे हैं, खाना वाना खाएंगे, कुछ पियेंगे, तो बच्चों को लगी है बहुत ज़्यादा प्यास। कुत्ता देखो ड्रम में बैठ के खा रहे हैं। भाग जाएगा रहने दे।